स्लिप नहीं आ रहा हूँ, खुद दिखा गया, खोल के टी शर्ट खोल के इसका देखो कैसा होता है। फिर से खुशी का दिन है कि हमारे बच्चे गए थे कटिहार नर्सिंग असिस्टेंट का रनिंग करने के लिए। तो टोटल यहाँ से बच्चे का सिलेक्ट हुआ, टोटल गए थे 13 बच्चे, 9 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। लोग जोड़ा था 9 के लिए। आज जल्दी आप लोग 9 से मिलवाऊंगा मैं। तो अभी हमारे बीच दो बच्चे आए हुए हैं, राहुल और पंकज। राहुल पंकज आ जाएंगे इधर, जोरदार ताली उनके लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये दोनों अभी कटिहार गए थे रनिंग था इनका 1 तारीख को, और दोनों क्वालिफाई हो गए हैं। बस इनका मेडिकल बाकी है अभी, और मेडिकल दोनों फिट है, पहले से मेडिकल का चेक हो चुका है। ठीक है, तो इन लोगों का स्लिप दिखाया आपको, मैं दिखाऊंगा स्लिप। हमने का स्लिप दिखाया मोबाइल में, स्लिप मोबाइल में। और मैं दिखाने वाला आप सभी को स्लिप। देखो, कहते हैं कि कोई सोते हो झूठे जाते हैं सर बोलते होंगे, तो पहले देख लिए, इसमें दिया हुआ है, जूम करके दिखा। यारो कटिहार मेडिकल स्लिप स्क्रीनिंग इतना 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 का तारीख को, तो इनका हो गया कटिहार में मेडिकल है 5-8 तारीख को इनका। और राहुल का स्लिप नहीं आया, राहुल खुद दिखा गया, खोल के टी शर्ट खोल के इसका देखो कैसा होता है आर्मी में। ताली देख सकते हैं आप, बूट का है 151 नंबर बैच। ये नर्सिंग में गुड किया, जिनका गुड होता गुड होता सेक्शन होता ई होता, जिनके कमांड डिफेंस अकेडमी में बच्चे गुड किए हैं। और साथ में यहाँ गुड और एक्सीलेंट कोई वैल्यू भी नहीं है नर्सिंग में, क्योंकि इनका एग्जाम होता है 200 नंबर का एग्जाम होता है। तो इसलिए गुड एक्सीलेंट कोई मतलब नहीं, बस क्वालिफाई होने से मतलब है। बाकी बात क्वालिफाई हो चुका है, फिर से जोड़ना ताली लोगों। और कैसा एक्सपीरियंस राहुल शेयर कर गया तुम लोग सभी, एक्सपीरियंस कैसा था राहुल? बाहर के राहुल के बहुत से तैयारी कर रहा था, अब एक्सपीरियंस कैसा था राहुल? मेरा नाम राहुल रंजन हुआ, हम 1-2 साल से कमांडो डिफेंस अकेडमी में तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि बहुत कोई मार देता है यहाँ, 4:50, 4:40 का टाइमिंग रहता है, लेकिन जाने के बाद पता चलता है वहाँ 250 के बैच में तुमको आना है 20-30 के अंदर, टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ हमारे अकेडमी में लगभग 250-300 बच्चे आराम से टेस्ट, हर दिन हर संडे टेस्ट रहता है, तो पता चल जाता है कि हम 250 में कितना पानी में है कितना पानी में नहीं। इसीलिए टाइमिंग से कोई मतलब नहीं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी का आपको जरूर सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कम से कम भीड़ में प्रैक्टिस जरूर करना है, यही बोलना चाहूँगा। और हमारे गुरु जी को और मेरे दोस्त जितना मेरे साथ थे, जो एक बार मनोबल गिरा था कि हाँ अब हमसे नहीं होगा, लेकिन बहुत साथ दिए मेरे दोस्त और मेरे गुरु जी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज से गुजारे बहुत से ट्रेनिंग कर रहे हैं, पंकज का दिन आ चुका है और दिन का अब उसका नौकरी पे रखा हुआ है। चलो दोस्तों, बस हम इतना बोलेंगे कि यहाँ जितना होता है उतना ही करो, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बाकी के लिए गुरु जी है सब करवा देंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एनए का इनका था, और अभी जल्दी के रिटर्न में मेडिकल होने के बाद रिटर्न की तैयारी शुरू हो रहा है एनए का। जो भी बच्चे होंगे आपके अगल बगल में, तो झारखंड में एनए की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, बिहार झारखंड में बच्चे आ गए हैं ट्रेनिंग तैयारी के लिए, जिनको आना आ सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और अगली वीर का 2023 के वैकेंसी फरवरी में आप लोग ऑनलाइन होगा, तो बच्चे तैयारी में आप लोग लग जाए जिनको आना है, ठीक है ना। आप फटाफट तैयारी में लग जाए, ताकि आप वो अभी महीना भर पूरा लो चलेगा, जनवरी से पूरा पिकअप में चलेंगे उसके बाद हम लोग, क्योंकि इस पर रिजल्ट हम लोग और अच्छा चाहिए, ठीक है ना। और जल्दी हम सेमिनार करने वाले हैं, आप लोग सभी को रहेंगे उसमें, और सभी को कहेंगे कि फिर से दोनों को जोरदार ताली। अब भगवान से, ग्राउंड से और भगवान से विनती करेंगे कि दोनों मेडिकल फिट हो जाए, जितने सारे बच्चे हमारे, और आगे रिटर्न के लिए ये लोग आगे जाए। और भगवान से भी दुआ करेंगे कि एक बार मौका मिला है, छोड़ना भी नहीं है, ठीक है, इसको एकदम पढ़ना है, दम लगा, 2 महीने समय मिला है तुम लोगों को, ठीक है ना। चलो सभी को जय हिंद, चलिए।